नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे एक बार फिर से आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। एक नॉर्मल व्यक्ति इन स्टॉक्स में ट्रेड करे तो कैसे करे, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपसे कंटिन्यू अपनी वीडियोज में अदानी ग्रुप को लेकर सिर्फ ये कहता हूं कि जिसके पास जितना है उसको उतना ही होल्ड करना है। अगर कोई फ्रेश ले भी रहा है तो वो प्राइस को, खबरों को जितना अवॉइड कर सकता है उतना बेटर है उसके लिए। अदरवाइज एक दिन खराब खबर आएगी, सेम डे नेगेटिव रिएक्शन आएगा, आप कहोगे अब यार बेच दो, वो बेटर है, न्यूज आ रही है खराब, बेच देना अच्छा है, वॉलेटाइल वैसे ही है, आप बेचोगे अगले दिन देखोगे तो वो ऊपर आ जाएगा, फिर टेंशन। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में सिंपल सी लैंग्वेज में केवल एक ही स्ट्रेटजी काम कर रही है, अपनी लिमिट के अनुसार अपने पास रखो और फिर टाइम दो। अब एक एग्जांपल देता हूं, कल आप सभी ने देखा अदानी एंटरप्राइज के नंबर्स को, खराब नंबर थे, ओपन मार्केट में आए थे, जो शेयर का प्राइस 2.5-3% ऊपर था वो लाल निशान में आ गया, आधे परसेंट के करीब गिरकर बंद हुआ। लेकिन आज आप देखो दोबारा से 1% ऊपर दिख रहा है और मॉर्निंग में तो काफी बढ़िया तेजी भी बनी थी, तो रिजल्ट्स पे वो आधे घंटे का रिएक्शन, आज फिर से ऊपर। सेम चीज आप देखो अदानी पावर के साथ, बहुत तंगड़े नंबर्स थे, 390 कुछ समथिंग हिट करा हाई, अभी 384 पे ट्रेड कर रहा है, फ्लैट है, 1% के करीब, 2.5% ऊपर अभी भी है। तो ये आपको क्लियर एक चीज दर्शा रहा है कि ये अपने किसी भी खबर, किसी भी रिजल्ट, किसी भी न्यूज के ऊपर रिएक्शन नहीं है। कोई भी खबर आती है, न्यूज, एक दिन ज्यादा से ज्यादा उसका एक्शन रहता है और उसके बाद फिर अपने हिसाब से चलने लगते हैं। तो यहाँ पे आप अगर खबरों को टैकल करने की कोशिश करोगे या फिर प्ले करने की कोशिश करोगे ट्रेड को, तो वहां वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस खा जाएंगे। ये इससे अच्छा है लिमिटेड क्वांटिटी में उठाओ, रखो और चुपचाप बैठे रहो, समय दो, 1.5-2 साल का पैसा यहाँ बनेगा, ये मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि ग्रोथ लौट रही है, ग्रोथ दिख रही है क्लियरली अदानी ग्रुप में, स्पेशली पावर में, अदानी पावर में। आप रिजल्ट देख लो, आप कंपनी का शेयर का प्राइस देख लो, बहुत तंगड़ा है, बट अभी तो ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट टॉप के आसपास आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी कोई महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, 11 के पीई पे है, बट वही बात है, इसके नंबर जब भी आते हैं ना रिजल्ट, तो एक एडजस्टमेंट होता है, वो टैक्स के कारण हो जाए, वो अदर इनकम के कारण हो जाए, बट होता जरूर है, इस बार भी है। एक बार प्रॉपर रिजल्ट आ जाए किसी बार की, भैया अब कंटिन्यू 3-4 क्वार्टर कंपनी क्या है कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट ही पोस्ट कर रही है, कोई अदर इनकम का एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो अपने आप में कन्विक्शन हो जाएगा। बट फिलहाल क्या करें क्या ना करें, एक एक करके सारे स्टॉक्स कवर करता हूं। अच्छा एक और एग्जांपल लीजिए आप, अंबुजा सीमेंट, इसके नंबर्स अच्छे थे, रिजल्ट वाले दिन टूटा, अगले दिन बढ़ा और आज आपके लिए फिर से ऊपर गया और अभी फ्लैट हो गया। तो इतनी वॉलेटिलिटी प्ले कर ही नहीं पाएगा एक आदमी, ट्रेड कर ही नहीं सकता खबरों के दम पर, और इन स्टॉक्स में खबरों के दम पर तो खैर वैसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, और इन स्टॉक्स में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब यहां से कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा खराब है इसको समझते हैं। देखिए अंबुजा सीमेंट बहुत ही तंगड़ा स्टॉक है और अच्छी कंपनी है, और स्टॉक अगर आपको 380 करीब मिलता है तो वो मेरे को लगता है बहुत ही अच्छे लेवल्स होंगे, निवेश के लायक लेवल है, 420 पे भी ट्रेड कर रहा है, तो इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख के आप निवेश इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेवल होगा 380 का, जो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा खरीदारी करने के लिहाज से। नेक्स्ट अदानी पावर, अदानी पावर की बात की जाए तो ये तो एक आउट परफॉर्मर रहा है और मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर भी करता रहा हूं, हाइस पे आ गया है 400 के बाद, अब मैं इसमें जो लेवल बोलूंगा वो मुझे नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं इस पे कोई लेवल नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना कहूंगा अगर गिरता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि भैया ये लेने का मौका है, अगर नहीं गिरता तो ठीक है, जिनके पास है वो एंजॉय कर रहे हैं प्रॉफिट को, इससे ज्यादा क्या, क्या प्रॉफिट बुक किया जाए इन भाव पे, तो मेरे को लगता है बुक तो नहीं करना चाहिए आपको, अभी होल्ड ही करना चाहिए। अगर डिप मिलेगी तो फिर डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं सोच सकते हो ट्रेलिंग एसएल के साथ कि अब मेरे को निकल जाना है, ट्रेलिंग एसएल आप रखना चाहते हो तो 360 या फिर 355 का आप चाहो तो रख सकते हो। अदानी विलमार, इसके नंबर्स कंटिन्यू, तीसरे क्वार्टर ऐसा है जहाँ पे खराब आए हैं और दूसरा क्वार्टर कंटिन्यू ऐसा है जहाँ लॉस पोस्ट कराया कंपनी ने, तो अभी मेरे को लगता है ये खराब चल रही है सिचुएशन, पर आने वाले समय में कंपनी का प्रॉफिट वापस आएगा, एडिबल ऑयल कारोबार सुधरेगा और कंपनी खुद भी कह रही है, एंड उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ दिखेगा। अदानी ग्रीन टोटल गैस और एनर्जी सॉल्यूशंस में मैं कमेंट करता नहीं हूं तो मैं करूंगा भी नहीं, और अदानी एंटरप्राइजेस की बात की जाए, पेरेंट कंपनी की बात की जाए, तो इस भाव पे इसमें कुछ खोने के लिए मेरे को दिखता नहीं है, इसलिए मैं इसमें होल्ड की राय दूंगा, और अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है तो वो करंटली ले ले, थोड़ा बहुत और गिरे तो थोड़ा बहुत ऐड कर ले, बाकी खबरों से बचें, रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके एक्शन से बचें, एक दिन चलता है ज्यादा से ज्यादा। अदानी हिंडनबर्ग का केस चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो फैसला नहीं दे रहा, बट जब फैसला आएगा तो एक आध दिन फिर मूव आ सकता है, तो उसमें आप घबराए ना, खुश ना हो, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रहो इन स्टॉक्स को, मार्केट के साथ गिर रहे हैं, मार्केट के साथ बढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको नहीं घबराना है,
क्योंकि अपने ही हिसाब से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो समय दे दो, समय देने के साथ साथ मुझे लगता है पैसा तो आपके पास जरूर आएगा। होप आपको ये पूरी वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।